हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो है आपका रेलवे एएलपी टेक्नीशियन। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर आई है टेक्नीशियन वालों के लिए। टेक्नीशियन का एक और पैनल जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर पूरी टेक्नीशियन की पोस्ट है वो बता दी गई है आपको कि कितनी पोस्ट थी और कितना आपको ज्वाइनिंग दिया गया है, कितने लड़कों को। तो बहुत ही पोस्ट दोस्तों खाली रह गई हैं, वहाँ पर कैंडिडेट ही नहीं मिले हैं आरआरबी को। तो दोस्तों, ये किस जोन की मैं बात कर रहा हूँ आपको, मैं बता दूँ अहमदाबाद जोन की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर एएलपी का पैनल पार्ट फर्स्ट पहले ही आ गया था और अब दोस्तों टेक्नीशियन का पैनल आ गया है। तो इस तरह से टेक्नीशियन का दूसरा ये पैनल है दोस्तों इस भर्ती का, क्योंकि पहला पैनल आपका त्रिवेंद्रपुरम का आया था और दूसरा ये आपका अहमदाबाद का है। तो कितनों का हुआ है जारी और कितनी कितनी वैकेंसी थी, कितने कितने पद आपके खाली रहे हैं, सारे डिस्कस मैं करूँगा दोस्तों। और डी ग्रुप की भी बात करूँ और एएलपी की बात करूँ, तो आपकी अहमदाबाद जोन से बहुत ही कम कट ऑफ गई है दोस्तों, मिनिमम मार्क पर सिलेक्शन हुआ सभी का। तो दोस्तों, उस हिसाब से इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है वो खाली रह गई है, और इनको ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी और बाकी का कोई मतलब बच गया है, जैसे एएलपी में कुछ कैंडिडेट बच गए हैं, तो उनका कब तक आएगा, तो सारा कुछ डिस्कस करूंगा मैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले, अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपके जोन की अपडेट मेरे को मिलेगी तो सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं। तो दोस्तों, आपको इसके लिए देखना है तो आपको जाना है ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर, जो आरआरबी अहमदाबाद की है, उसके नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके जाओगे तो आपको मिल जाएगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आपका पैनल। नीचे नीचे जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिजल्ट ऑफ वॉरियस पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन अगेंस्ट CEN 0 नंबर 01/2018 आफ्टर DV। DV के बाद है दोस्तों ये, मैं बता दूं तो इसके अंदर सारा कुछ दिया गया है आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो और मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिक तौर पर कि कितनी कितनी आपकी कट ऑफ रहा है और कितना आपका दोस्तों सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। तो टोटल यहाँ पर ये आपका फर्स्ट टोटल 40 पेज का दोस्तों है ये। इसके अंदर आप देख सकते हो नंबर 1 के अंदर के बोला गया है पैनल ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ कैटेगरी नंबर 7 अगेंस्ट CEN 01/2018। तो 7 नंबर कैटेगरी है, इसके अंदर नो कैंडिडेट फाउंड सुटेबल, कोई भी कैंडिडेट है इसके अंदर नहीं पाया गया है। और यहाँ पर दोस्तों ये बेसिक जानकारी दी गई है कि 31/8 से लेकर आपका जो भी चला था CBT 1 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। और दोस्तों कैटेगरी नंबर 7 के अंदर कोई भी यहाँ पर कैंडिडेट नहीं मिला है। तो देख सकते हो आपकी कितने वैकेंसी खाली रही है, ये आपका ऑफिशियल एप्लीकेशन मैंने ओपन किया हुआ है। तो इसके अंदर आप देखोगे कैटेगरी नंबर 7 के अंदर आपकी टोटल दोस्तों 6 वैकेंसी थी, जो कि पूरी की पूरी आपकी वैकेंट चली गई है। और कैटेगरी नंबर 14 दोस्तों ब्रिज की है, इसके अंदर आपकी 4 पोस्ट थी। अब देखते हैं ज्वाइनिंग कितनों को दी गई है, यहाँ पर आपका पैनल में नाम कितनों का आया। तो यहाँ पर आप नीचे जाओगे स्क्रॉल डाउन करके पेज नंबर 2 के अंदर आपका 14 नंबर कैटेगरी है, यहाँ पर 4 कैंडिडेटों को दोस्तों नाम आ चुका है, जिसमें 2 जनरल के हैं, 1 OBC का और 1 SC का है। तो ये दोस्तों आपका 4 कैंडिडेटों का इसके अंदर नाम आ चुका है। तो इसमें देखोगे आप तो इसका आपका यहाँ पर टोटल पोस्ट है वो फिलअप कर ली गई है दोस्तों, 4 पोस्ट थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करूँ, 18 नंबर पोस्ट है इसका आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर है, इसके अंदर आपकी 8 वैकेंसी थी। तो देखते हैं इसमें आपकी कितनी पूरी वैकेंसी फिलअप हुई है या नहीं। तो यहाँ पर आप आओगे दोस्तों तो नो कैंडिडेट सुटेबल है यहाँ पर भी, पैनल ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर कैटेगरी नंबर 18 अगेंस्ट CEN 01/2018 के अंदर नो कैंडिडेट फाउंड है दोस्तों। ये 8 वैकेंसी आपकी बिल्कुल वैकेंट रह गई हैं, कारपेंटर का कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला है आरआरबी अहमदाबाद को। तो अच्छी खासी वैकेंसी आपकी खाली रह गई है दोस्तों। अब यहाँ पर अगला है पैनल ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर कैटेगरी नंबर 19 के अंदर भी आपका कोई कैंडिडेट नहीं मिला है। तो कारपेंटर की दोनों वैकेंसी आपकी खाली गई हैं। और यहाँ पर अगला है कैरियर एंड वैगन के अंदर आपके 19 कैंडिडेट इनको मिले हैं। तो इसमें देखते हैं वैकेंसी कितनी थी आपकी, तो आप देखोगे कैरियर एंड वैगन के अंदर आपकी टोटल दोस्तों 65 वैकेंसी थी, 65 वैकेंसी थी, उसके अंदर आपका 19 का ही सिलेक्शन हो पाया है। और यहाँ पर ये देखोगे आप कारपेंटर की 3 और 8 दोनों पोस्टें खाली हैं, और यहाँ पर ये 6 पोस्टें भी खाली हैं, और यहाँ पर 19 को सिलेक्शन हुआ है, बाकी सारी पोस्ट आपकी खाली रह गई हैं। तो देख सकते हो अच्छी खासी वैकेंसी खाली रह रही है, क्योंकि आईटीआई वाले कैंडिडेट पास कैंडिडेट नहीं मिले हैं इनको, तो यहाँ पर इसलिए इनको खाली रखा गया है। अब इनमें वेटिंग वालों का आ जाएगा, टेक्नीशियन में जो भी आरआरबी अहमदाबाद से वेटिंग में है, इन इन कैटेगरी से जिसमें वैकेंसी खाली है उनका सिलेक्शन श्योरिटी हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर अगली है जो दोस्तों इसमें डीजल इलेक्ट्रिकल की है, इसमें 16 कैंडिडेट हैं वो फाइनली सिलेक्शन हुए हैं, सभी अपना अपना रोल नंबर दोस्तों इसके अंदर देख लेना आप। इसके अंदर आप देखोगे अगला डीजल इलेक्ट्रिकल के अंदर दोस्तों आपकी 29 पोस्ट थी, जिसके अंदर 16 पोस्ट ही फिलअप हो पाई हैं। तो इसके अंदर भी आपकी अच्छी खासी वैकेंसी खाली रह गई हैं, अभी तक कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं मिली है जहां पर आपका पूरा फिलअप हो गया होगा। तो ये दोस्तों आरआरबी अहमदाबाद का है, इसके अंदर आप अपना रोल नंबर चेक कर लें, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जिसका भी दोस्तों नाम आ गया है। अगला है दोस्तों पोस्ट नंबर 34 कैटेगरी नंबर 34 के अंदर 35 कैंडिडेट है वो फाइनली सिलेक्शन हुए हैं इनका दोस्तों, डीजल मैकेनिकल के अंदर आपका है
कैटेगरी नंबर 34, इसके अंदर हम देखते हैं कितने वैकेंसी हैं आपकी। कैटेगरी नंबर 34 के अंदर दोस्तों मैं देखूं तो आपका देखोगे आप टोटल यहाँ पर 29 वैकेंसी हैं, 29 दोस्तों, उसमें 58 वैकेंसी हैं, टोटल 58 वैकेंसी हैं इसमें। और दोस्तों आप देख सकते हो पोस्ट कितनी फिलअप हुई हैं, 58 के मुकाबले सिर्फ 35 कैंडिडेट ही यहाँ पर उपस्थित हो पाए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा पोस्ट आपकी खाली रह गई है इसके अंदर। अगला दोस्तों आपका इलेक्ट्रीशियन का आ गया है, इलेक्ट्रिकल पावर का है, कैटेगरी नंबर 47 के अंदर 11 कैंडिडेट सिलेक्शन पे हुए हैं इलेक्ट्रिकल पावर, जो कि एक अच्छी खासी वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कैटेगरी नंबर इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर आपके टोटल 28 पोस्ट थी, इसमें भी दोस्तों आपके खाली रह गई है पोस्ट, 28 के अंदर आपका सिर्फ 11 कैंडिडेट ही यहाँ पर लिए गए हैं। और यहाँ पर इसमें दोस्तों यहाँ पर 9 कैंडिडेट इसके होल्ड रखे गए हैं, 5 कैंडिडेट इसमें होल्ड हैं, 2 कैंडिडेट इसमें होल्ड हैं और 1 कैंडिडेट इसमें होल्ड है आपका, तो ये लगभग फिलअप आपकी हो जाएगी। अगली जो है दोस्तों इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर वर्कशॉप की है, 6 कैंडिडेट हैं, इसके अंदर 1 कैंडिडेट होल्ड रखा गया है, तो यानी 7 कैंडिडेट आप मान सकते हो। तो वैकेंसी कितनी है आपकी इलेक्ट्रिकल पावर वर्कशॉप की, इसके अंदर दोस्तों आपकी 7 वैकेंसी हैं, तो ये टोटल फिलअप हो जाएंगी। इलेक्ट्रिकल की लगभग आपकी मेरिट है वो अच्छी रही है, तो इसके अंदर आपकी सारी पोस्ट हैं वो फिलअप हो जाएंगी। तो अगला दोस्तों ट्रेन लाइटिंग का है, कैटेगरी नंबर 49, 6 कैंडिडेट यहाँ पर लिए गए हैं, बाकी यहाँ पर 5 कैंडिडेट इसके अंदर होल्ड, 3 इसके अंदर और 1 इसके अंदर आपका होल्ड रखा गया है, तो टोटल 9 कैंडिडेट होल्ड रखे गए हैं और आपका 6 कैंडिडेट है वो सिलेक्शन हो गया है। तो टोटल आप देखोगे 15 कैंडिडेट यहाँ पर ट्रेन लाइटिंग से सिलेक्शन हो गया है। तो इसके अंदर ट्रेन लाइटिंग की वैकेंसी आप देखोगे 18 वैकेंसी है, तो इसके अंदर आपकी 3 वैकेंसी बची हुई है और इसमें वेटिंग वालों का सिलेक्शन 100% हो जाएगा दोस्तों। अगला है ट्रेन लाइटिंग वर्कशॉप का, इसके अंदर आपकी 8 वैकेंसी हैं, तो 8 वैकेंसी में देखते हैं कितने यहाँ पर सिलेक्शन हो पाया है। अगला दोस्तों 8 वैकेंसी में 5 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्शन है और 3 कैंडिडेट हैं वो जनरल के अंदर होल्ड रखे गए हैं, तो इसके अंदर जो भी वेटिंग में है उनका सिलेक्शन यहाँ पर अभी नहीं होगा, ज्वाइनिंग के टाइम पर शायद ये कोई ज्वाइन ना करे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगला दोस्तों आपका इलेक्ट्रिकल TRD OHE के अंदर 52 कैटेगरी नंबर, इसमें 7 कैंडिडेट रखे गए हैं और 4 कैंडिडेट होल्ड हैं यहाँ पर, तो टोटल यहाँ पर देखोगे 11 कैंडिडेट यहाँ पर हैं OHE के अंदर, तो इसमें टोटल पोस्ट आप देखोगे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल OHE की तो यहाँ पर 22 पोस्ट हैं दोस्तों, 22 के अंदर सिर्फ 11 कैंडिडेट यहाँ पर आए हैं। अगला है दोस्तों आपका TRD PSI के अंदर 4 आपकी पोस्ट हैं, अब देखते हैं इसमें कितने यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। ये यहाँ पर TRD PSI का है, तो 2 कैंडिडेट मात्र मिले हैं यहाँ पर और कोई भी कैंडिडेट अभी तक इनको नहीं मिला है। तो इलेक्ट्रिकल में भी आपकी काफ़ी वैकेंसी यानी वीकेंड रह गई हैं दोस्तों। तो अगला है TRS का, TRS में 23 कैंडिडेट यहाँ पर लिए गए हैं और 11 कैंडिडेट इसमें होल्ड हैं आपके, 5 ये, 3 ये और 2, 10 और 21 कैंडिडेट आपके टोटल होल्ड हैं और यहाँ पर टोटल सिलेक्शन हुआ है दोस्तों 23 का। तो टोटल आप देखोगे तो लगभग आपके 44 कैंडिडेट बनते हैं TRS से, तो जो कि 44 ही वैकेंसी आपकी हैं, तो इसके अंदर आपका लगभग वैकेंसी है वो फिलअप हो गया है दोस्तों। तो अगला आपका जनरल सर्विस, इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस जो कि अच्छी खासी जॉब है, मैंने वीडियो बनाए हैं दोस्तों सभी पोस्ट के बारे में। तो इसके अंदर आपको देखना है टोटल इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस के अंदर 5 कैंडिडेट हैं वो सिलेक्शन हुए हैं और 17 और 5 यहाँ पर होल्ड रखे गए हैं, तो टोटल आप देखोगे तो आपके टोटल 27 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्शन लेंगे इसके अंदर होल्ड हैं, उनको भी दोस्तों हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं, तो इसमें 27 हैं, तो आपकी वैकेंसी कितनी है जनरल सर्विस की दोस्तों 34 वैकेंसी हैं, इसमें भी आपका काफ़ी वैकेंसी खाली है। केरियर एंड वैगन की मैं बात करूँ तो 64 यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं केरियर एंड वैगन की, 64 के अंदर देखते हैं कितने लड़के यहाँ पर सिलेक्शन हुए हैं। केरियर एंड वैगन में दोस्तों 62 यहाँ पर है, कैटेगरी फिटर आ गई दोस्तों इसके अंदर, नीचे फिटर केरियर एंड वैगन कहाँ पर है, तो फिर यहाँ पर फिटर वर्कशॉप आ गया है दोस्तों कैटेगरी नंबर 65, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे, 65 नंबर कैटेगरी दोस्तों यहाँ पर ये है, यही है दोस्तों यहाँ पर, ये मैंने यहाँ से देख लिया नाम, ये यहाँ पर फिटर है। तो TRS के बाद में 34 और 64 पोस्ट है यहाँ पर फिटर कैटेगरी की, तो यहाँ से आप देखोगे ये आपका ऊपर फिटर है, यहाँ पर 34 वैकेंसी थी, इसमें भी दोस्तों आपका 5 वैकेंसी सिलेक्शन है और बाकी काफ़ी होल्ड रखे गए हैं, तो फिटर में भी आपकी वैकेंसी बहुत खाली है दोस्तों। ज़्यादा टाइम वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं इतना नहीं बता पाऊँगा आपको, पर मैं दोस्तों आपको एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर बना दूंगा जिसके अंदर आपका टोटल पता लग जाएगा कि वेटिंग है वो कितनी क्लियर होने वाली है RRB अहमदाबाद से। तो दोस्तों आप टोटल ये खुद डाउनलोड करके देख लेना, 40 पेज की ये टोटल PDF है, तो अलग अलग यहाँ पर सबको पोस्ट कौन सा डिवाइड हुआ है ये भी बता दिया गया है और पोस्ट के बारे में मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं कि कौन सी पोस्ट आपकी बेस्ट है। तो दोस्तों वीडियो लंबा ना हो इसीलिए मैं यहीं पर इसको ख़त्म करता हूँ और आपका वेटिंग वाला वीडियो ज़रूर
वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।